हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद सना। तो आज हम बनाने वाले हैं 1 किलो चिकन टिक्का बिरयानी की टेस्टी रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल कुक विद सना पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 किलो टिक्का बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 किलो चिकन लिया हुआ है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच नमक, नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, फूड कलर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, 1 कप दही ऐड कर दें। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। चिकन में सारा मसाला अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। चिकन टिक्का बिरयानी की हमने आपके साथ इजी एंड टेस्टी रेसिपी को शेयर किया है, तो आप लोग भी इसे ट्राई करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर हमने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें ऐड कर देंगे 1/4 किलो ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको बिरयानी बनानी है। इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई और इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसकी कच्ची स्मेल निकलने तक इसे अच्छी तरह से पका लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मिर्ची, 5 से 6 लौंग, 3 से 4 हरी इलायची, तेज़पत्ते 3 से 4, ये सब खड़े मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी 2 मिनट तक अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेना है। हमने यहाँ पर 4 से 5 टमाटर को पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे और टमाटरों का पानी सूखने तक इसे अच्छी तरह से पका लेना है। ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोथमीर और पुदीना बारीक चॉप किया हुआ, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर देना है। ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दही और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके दही की कच्ची स्मेल जाने तक पका लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 नींबू का जूस, 1/2 चम्मच। ये देखिए अच्छी तरह से मसाला पक चुका है और ऑयल भी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। यहाँ पर हमने चिकन टिक्के को फ्राई करने के लिए एक नॉन स्टिक पैन लिया हुआ है और इसे अच्छे से गर्म हो जाने के बाद 2 से 3 बड़े चम्मच इस पर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने देना है। इस तरह से चारों तरफ ऑयल को फैला दें। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अंदर तक चिकन पकने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लें। ये देखिए फ्राई हो रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से।
चिकन को हमें ऑयल में ही नरम कर लेना है। एक साइड से चिकन अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद हम दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इसे पलटा कर फ्राई कर लें। इस तरह से फ्राई करके बिरयानी में ऐड करके बनाने से बिरयानी का टेस्ट और भी मज़ेदार आता है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। न्यू एंड ईजी रेसिपी है ये। अब हम इसे इस मसाले में ऐड कर देंगे। टोटल हमने 10 मिनट चिकन को फ्राई कर लिया है और इस मसाले में और 5 मिनट तक पका लेना है। इसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर दें। पाँच मिनट तक इसी तरह से मिक्स करके इसे पका लेना है। हमने यहाँ पर 1 किलो चावल को 10 मिनट तक भिगा लिया है। पकने पर ये खुले खुले और मज़ेदार बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच शाहजीरा, आधा चम्मच नमक और इसे उबाल लेना है। 50% चावल कुक होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। बोल को अच्छी तरह से गरम कर लें और इसमें ऐड कर दें ऑयल। और इस तरह से चावलों को इस ऑयल में ऐड कर दें। ऑयल हमने इसमें थोड़ा ही ऐड किया है क्योंकि हमने मसाले में बहुत सारा ऑयल डाल दिया था, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इस तरह से चावलों को ऐड करके चारों तरफ से फैलाते जाएं। 50% कुक होने के बाद हमने चावलों को निथार लिया था और बाकी का 50% हम इसमें दम होने के लिए छोड़ देंगे। और जो हमारा चिकन की ग्रेवी तैयार हो चुकी थी, हमें इसमें इस तरह से ऐड कर देना है। थोड़े चावल ऐड करते जाएं और थोड़ा सा चिकन मसाला इस पर चारों तरफ से ऐड कर दें। इसी तरह से चावलों की लेयर बनाते जाएं। अगर आप लोग भी हमारे तरीके से इस चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी भी ज़रूर इसी तरह की टेस्टी एंड लजीजदार बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप लोग हमारी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोगों की किस तरह की बिरयानी बन के रेडी हो गई थी। सारे लेयर इस पर अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इस पर ऐड कर देंगे आधा चम्मच बिरयानी मसाला ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इस तरह से 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कर देना है। हमने यहाँ पर फूड कलर को पानी में मिलाकर इस तरह से चारों तरफ से ऐड कर दिया है। और इस पर बिरिस्ता ऐड कर दे जो हमने पहले ही फ्राई करके रख लिया था। चारों तरफ से ऐड कर दें। और थोड़ा सा गरम मसाला आखिरी में इस पर ऐड कर दें। आधा नींबू का जूस ऐड कर दें। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक दम होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद बिरयानी अच्छे से दम हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। खाने में भी उतनी ही टेस्टी और लाजवाब बन के रेडी हो गई थी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अब हम इस पर ऐड कर देंगे हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। चिकन टिक्का बिरयानी दिखने में भी उतनी ही मज़ेदार थी और खाने में भी उतनी ही टेस्टी बन के रेडी हो चुकी थी। चिकन को तवे पर फ्राई करके इसमें ऐड करने से इसका टेस्ट और भी मज़ेदार आ गया था। तो आप लोग भी हमारी तरीके से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमने इसे सर्व कर दिया है और इसके चावल बहुत ही खुले खुले बन के तैयार हो चुके थे और मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आप इसे दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं। इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लोगों को हमारी इजी एंड टेस्टी न्यू रेसिपी रोज़ाना देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जो भी नई रेसिपी अपलोड करेंगे सबसे पहले उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को आज की है हमारी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।